आगाज में वासा से खबर शामिल करेंगे। वासा मुल्तान ने नई वाटर पॉलिसी जारी कर दी। पाइप के जरिए घरों, गाड़ियों और दुकानों को धोने पर पाबंदी आयद कर दी। गलियों में छिड़काव और पौधों को पानी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नई वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए वासा के तमाम फील्ड और ऑपरेशनल स्टाफ को टास्क सौंप दिया गया। मुल्तान की जानिब से साफ पानी का स्याह रोकने और जेर जमीन पानी बचाने के लिए नई वाटर पॉलिसी जारी की गई है। पाइप के जरिए घरों, गाड़ियों, दुकानों को धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साफ पानी से गलियों में छिड़काव, टूटियों को खुला छोड़ने और पाइप के जरिए पौधों को पानी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वाटर सप्लाई लाइन्स पर मोटरें नस्ब करके इजाफी पानी हासिल करने वालों के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार है। पहले मरहले में खिलाफवर्जी के मुर्तकिब अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे। दूसरी मरतबा खिलाफवर्जी करने वालों के चालान तैयार करके स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वासा को भिजवाए जाएंगे। वाटर सप्लाई और ब्रिज कनेक्शन भी मुनकता कर दिए जाएंगे। नई वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शोबा रिकवरी वासा के तमाम फील्ड और ऑपरेशनल स्टाफ को भी टास्क सौंप दिया गया। आगाज में वासा से खबर शामिल करेंगे। वासा मुल्तान ने नई वाटर पॉलिसी जारी कर दी। पाइप के जरिए घरों, गाड़ियों और दुकानों को धोने पर पाबंदी आयद कर दी। गलियों में छिड़काव और पौधों को पानी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नई वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए वासा के तमाम फील्ड और ऑपरेशनल स्टाफ को टास्क सौंप दिया गया। मुल्तान की जानिब से साफ पानी का स्याह रोकने और जेर जमीन पानी बचाने के लिए नई वाटर पॉलिसी जारी की गई है। पाइप के जरिए घरों, गाड़ियों, दुकानों को धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साफ पानी से गलियों में छिड़काव, टूटियों को खुला छोड़ने और पाइप के जरिए पौधों को पानी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वाटर सप्लाई लाइन्स पर मोटरें नस्ब करके इजाफी पानी हासिल करने वालों के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार है। पहले मरहले में खिलाफवर्जी के मुर्तकिब अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे। दूसरी मरतबा खिलाफवर्जी करने वालों के चालान तैयार करके स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वासा को भिजवाए जाएंगे। वाटर सप्लाई और ब्रिज कनेक्शन भी मुनकता कर दिए जाएंगे। नई वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शोबा रिकवरी वासा के तमाम फील्ड और ऑपरेशनल स्टाफ को भी टास्क सौंप दिया गया।